अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही थी कैरेट का केक, रेड गाजर का केक। ये बहुत लजीज बनता है और अभी वैसे भी गाजर का सीजन है, तो आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, केक, खीर, जो इंशाल्लाह मैं आपको देने वाली हूँ उन सब की रेसिपी। तो सबसे पहले आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चार अंडे हैं जो एक एक करके मैं इसमें तोड़ दूंगी। उसके बाद तकरीबन चार टेबल स्पून ये वेजिटेबल ऑयल है और चार टेबल स्पून ही सफ़ेद चीनी है हमारी पिसी हुई, वो डाल देंगे। इसको सबसे पहले हम कुछ देर के लिए मिक्स कर लेंगे। जैसे ये आपस में मिक्स होगा, मैं एक कप मैदे का इसमें डाल दूंगी। पहले ये एक कप मैदा जो हमने डाला है इसको मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें 1.5 कप, 1.5 कप तकरीबन मैदा डालना है। तो ये जैसे ही मिक्स होता है तो मैं दूसरा 1/2 कप भी इसमें ऐड कर लूंगी। अब इसमें एक खाने का चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 2 चम्मच मैंने वेनिला एसेंस डाला है। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दूध मैंने डाला है इसमें 4 टेबल स्पून। ये जैसे ही हम मिक्स कर लेंगे सारे बैटर को, तो मैंने 2 बड़ी गाजरें थी जो मैंने कद्दूकश करके रखी हुई हैं वो इसमें डाल देंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बैटर इसका तैयार हो गया है। अंडे वाला बैटर हमने इतना पतला नहीं बनाना है, उसको थोड़ा सा थिक ही होगा, तो आप ये डाल दें। अब एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल और मैदा छिड़क के हमने मिक्स कर देना है। उसके बाद ये बेकिंग पेपर है वो अंदर बिछा देना है और ऊपर से ऑयल लगा के ब्रश कर देंगे। अब ये बैटर सारा जो हमने बनाया है केक का वो इसमें डाल देंगे। ओवन मैंने पहले ही 15 मिनट के लिए प्रीहीट किया हुआ था 160 पे, तो ये सारा बैटर जो है मैंने इसमें रख दिया है। नॉर्मली हम 180 पे रखते हैं, मगर इसमें गाजर थी और गाजर अपना पानी भी थोड़ा छोड़ती है, तो इसको हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। तो ये तकरीबन 30 मिनट्स में मेरा केक तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट बना है, ऊपर से भी नीचे से भी, और ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और इस टाइम पे जब ये गाजरों का सीज़न है तो आप इसका हलवा बनाएं, खीर बनाएं और ये कैरेट केक तो ज़रूर ही बनाएं, आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है ये। और ये बना के अपनी फैमिली से तारीफ वसूल करें, और स्पेशली शाम की चाय पे तो बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों को ये कैसा लगा।